नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। कहते हैं राजस्थान संत महात्माओं की भूमि है, जहां पर अनेक संतों ने अलग अलग संप्रदाय को शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए जन्म लिया, या कहा जा सकता है कि भगवान के रूप में अवतार लिया। ऐसा एक संप्रदाय है विस्तोई संप्रदाय, जिनके प्रणेता महाराजा जम्बो जी का एक पवन तपोस्थली है मुकाम, और यहाँ पर आज फागुन का मेला चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जम्बो जी महाराज का जन्म पिपासर गांव जिला नागौर में हुआ था, और आपके यहाँ पर आखिरी समय, चूँकि यहाँ पर इन्होंने बताया था, इसलिए जो आखिरी उनका मुकाम था, इसलिए स्थान का नाम मुकाम रखा गया। और अनेक स्मृतियाँ उनकी यहाँ पर हैं। उन्होंने जाने से पहले जो चीज़ें बताई थी कि यहाँ खेजड़ी के पास में मेरा स्थान होगा, यहाँ पर खुदाई करने से ये चीज़ें मिलेगी या त्रिशूल मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिली तो लोगों को लगा कि निश्चित रूप से किसी अवतारी पुरुष की ही ये वाणी है। और यहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया, जिस मंदिर में आज भी खेजड़ी का वो वृक्ष है। और फागुन का बड़ा मेला चल रहा है। इस समय बस स्टैंड का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि राजनीति इस टाइप की होती है कि किसी भी संप्रदाय का जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें जन प्रतिनिधि पहुंच भी चुके हैं। फिलहाल लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित है, और CM का हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करने वाला है। बिश्नोई समाज के सबसे बड़े तीर्थ मुकाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर फागुन का मेला चल रहा है महाराज जम्बेश्वर जी का। कुछ ही देर में यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं, और यहाँ हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करने वाला है। ये मंदिर का गुंबद आप देख रहे हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फागुन का ये विशेष अवसर है, और कुछ ही देर में यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल ये वो स्थान का दृश्य है, जहाँ पर कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, और हेलीपैड का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मेले मोड़ी भारी भीड़ आप देख रहे हैं। बीकानेर जिले के मुकाम का दृश्य आप देख रहे हैं। ये मंदिर का रास्ता आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारी भीड़ नज़र आ रही है। पूरे देश से विस्तोई संप्रदाय के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासतौर से हरियाणा और पंजाब के लोग यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या विस्तोई समाज की है। मुकाम जिला बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं। नोखा तहसील में है। विस्तोई संप्रदाय के प्रणेता जम्बो जी महाराज का ये स्थान तपोस्थली है। देखिए भारी भीड़ मेले में। बीकानेर जिले के नोखा तहसील से मुकाम धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, और ये जम्बो जी महाराज का मंदिर विशाल गुंबज आप देख रहे हैं, जो दूर दूर से देखी जा सकती है। बहुत सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। विस्तोई संप्रदाय के गुरु जम्बो जी महाराज की पवन तपोस्थली मुकाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं फागुन के मेले में। जम्बो जी महाराज के निर्वाण दिवस के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर पूरे देश के विष्णोई संप्रदाय के भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये यज्ञ स्थल है, जहाँ पर लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, जिसका धुआं आप देख सकते हैं। मरुस्थल बीकानेर जिले के नोखा तहसील से मुकाम धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, जहाँ पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ नज़र आ रही है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़े क्षेत्र में है, पूरे क्षेत्र में भक्तों का रेला नज़र आ रहा है। इसीलिए राजस्थान को संत महात्माओं का क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने अपने धर्म संप्रदाय को सच्चा मार्ग दिखाया है, अच्छाई पर चलने की राह बताई है। ऐसे ही जम्बो जी महाराज की पवन तपोस्थली मुकाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जिला बीकानेर से। देखिए मेले पर पूरी नज़र रखी जा रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ ही देर में
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा बरती जा रही है। दूरबीन से लैस पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, छत से एक एक दृश्य पे नज़र रखे हुए हैं। बहुत ही मनमोहक और सुंदर नज़र आप देख रहे हैं। ऐसे मंदिर के गुंबद आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत ऊंचा गुंबद है ये और मार्बल से बना हुआ बहुत सुंदर स्थान है। ये स्थान है जम्बोजी महाराज का तपोस्थली और ये बीकानेर जिले के नोका तहसील में मुकाम नाम से जाना जाता है, जहाँ पर विश्तोई संप्रदाय के गुरु, विश्तोई संप्रदाय के प्रणेता जम्बोजी महाराज का यहाँ पर तपोस्थली है और इसी स्थान पर उन्होंने विश्तोई संप्रदाय क्या स्थापना की थी। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर समरथ नाम का स्थान है। बहुत सुंदर गुंबद आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर है ये। ये मंदिर के अंदर का दृश्य आप देखिए, भीड़ देखिए मंदिर के अंदर। और ये मंदिर के प्रवेश द्वार हैं जहाँ से लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मुकाम पहुंच रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं मुकाम के मंदिर के ऊपर मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है मुकाम में। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पहुंचने वाले हैं और उनके लिए देख रहे हैं आपने ये व्यवस्था की गई है। ये यज्ञ स्थल का नज़ारा है, विराट मेला आप देख रहे हैं मुकाम धाम से। ये मार्ग बना गया है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले हैं कि कहाँ कहाँ लोग खड़े हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं तो लोग आप देख रहे हैं धर्मशालाओं से देख रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं यहाँ पर। सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है मुकाम धाम का, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है सुरक्षा की। ये देखिए सेवकगण हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। प्रवेश द्वार जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के कारण आप देख रहे हैं लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है दर्शन के लिए और जनता को यहाँ पर रोका गया है कि लोग रोष प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है हम लोगों के लिए मुख्यमंत्री के आगमन के कारण, लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं गेट बंद है और लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दोनों तरफ मंत्री की सेवा खड़े हैं, रास्ता बनाया गया है और आम लोगों को यहाँ, आम भक्तों को रोका गया है। मुख्यमंत्री जी यहां पर पहुंच चुके हैं, गाड़ी का सायरन हो रहा है, अशोक गहलोत दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 घंटे से लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, लोग शोर शराबे भी करें। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मुकाम धाम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये भक्त आप देख रहे हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन के लिए। अशोक गहलोत लेट कर दी, ये देखिए बच्चे रो रहे हैं, लोग काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं। इस मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं यहाँ पर और वो मंदिर की तरफ आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर। अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं आप देख रहे हैं। रामेश्वर डूडी साथ में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रामेश्वर जी डूडी के साथ मुकाम में ये देखिए लोगों का स्वागत, अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जी। मुकाम धाम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं दर्शन के लिए। अशोक गहलोत का मुकाम धाम में आगमन आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत दर्शन कर रहे हैं। ये मुख्य मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं और यहाँ पर पूजन कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुकाम पहुँचे हैं।
रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। बीकानेर जिले के नोका तहसील में मुकाम धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं फागुन मेले पर। और शीश नवा रहे हैं यहां पर। जम्बेश्वर जी महाराज की समाधि आप देख रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर जी के दर्शन किए मुकाम धाम में पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज फागुन मेले का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और अब बीकानेर जिले के नोका तहसील में मुकाम धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। संत महात्मा जम्बेश्वर जी महाराज का ये पवन तपोस्थली है जहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ पूजन किया है, उन्होंने उनको रक्षा सूत्र बांधा गया है और उन्होंने आज फागुन के मेले पर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरकर महाराजा के दर्शन किए हैं और यहाँ पर अब वो परिक्रमा करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर मंदिर पहुँचने पर मंदिर कमेटी के द्वारा बिश्नोई समाज राष्ट्रीय बिश्नोई समाज के द्वारा स्वागत किया गया है। साथ में रामेश्वर डूडी भी हैं, परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। ये आप देख रहे हैं अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक संघ के लोग हैं जिन्होंने भी मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर स्वागत किया है। देखिए दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अब, क्योंकि काफ़ी देर तक भक्तों को रोका गया था मुख्यमंत्री के आगमन के कारण और अब दर्शन के लिए आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया है और भीड़ उमड़ पड़ी है दर्शन के लिए अब यहाँ पर।